दोस्तों, मैं लाल मोहम्मद शेख पब्लिक चैनल से। दोस्तों, आज हमारे ऑफिस में स्टूडियो में जो है शाह आलम आजमी साहब आए हैं, जो MIM के नगर सेवक हैं अलमास कॉलोनी से। शाह आलम भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको बिहार का जो इलेक्शन और आपकी 5 सीट उसमें आई है जीतकर, ये बहुत बड़ी एक खुशी की बात है। सबसे पहले तो आपको मैं मुबारकबाद दूंगा, और इस इलेक्शन के बारे में आप लोगों से क्या कहेंगे और क्या आप मतलब संदेश देंगे लोगों को? भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, जो आप लोग ने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और हमारी बिहार के इलेक्शन की कामयाबी और जीत का जो जार का चालू हो रहा था, तो हमने गठबंधन से हमारे अध्यक्ष ने बात की थी, मतलब गठबंधन में आने के लिए, लेकिन लोगों ने शायद हमको एकदम निगलेक्ट किया था। हमने 20 सीट लड़ा, उस 20 सीट में अल्लाह ताला और बिहार के लोगों ने हमें 5 सीट जिता के दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है। सीमांचल में हमने बहुत मेहनत की थी, 5 साल पहले से मेहनत चल रही थी, इससे पहले भी हम लड़े थे, वहाँ कोई रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन इस बार उसी सीमांचल में अल्लाह ताला ने हमें 5 सीट जिता के दी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं अल्लाह ताला का और बिहार के लोगों का कि MIM आज देखिए, MIM भी आज इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए हर जगह के लिए एकदम मजबूत दावेदारी रख रही है, और इंशाल्लाह अगले इलेक्शन जहाँ भी होगा हम इलेक्शन लड़ेंगे, और पूरी उम्मीद है कि आप हमें हर कोई अपने गठबंधन में ले। शाह आलम भाई, एक चीज़ और है, बिहार में जो इलेक्शन हुआ है इसमें कांग्रेस कहती है कि ये BJP के एजेंट है और ये वोट काटने के लिए खाली बैठते हैं, ये BJP को जिताने के लिए बैठते हैं, तो इसके बारे में आप लोगों से क्या कहेंगे या इन पार्टियों से क्या कहेंगे? भाई देखिए, सबसे पहले बात बताना चाहता हूँ साहब कि जो कांग्रेस कह रही थी कि वोट कटुआ पार्टी हम हैं, कांग्रेस ने ये कहा था कि MIM वोट कटुआ पार्टी, और लोग कह रहे थे उस वक्त, लेकिन आज आप उठा के देख लीजिए बिहार के इलेक्शन की सीटों का वो जायजा, जो 70 सीट कांग्रेस लड़ी थी, हम कितनी सीट लड़े? 20 सीट। 70 सीट में से 19 सीट इन्होंने जीता, 51 सीट हारी। अच्छा, 51 सीट में से 29 सीट BJP इनके सामने जीती है और 27 सीट नीतीश कुमार की पार्टी ने जीती, तो आप बताइए वोट कटुआ कौन हुआ, हम हुए कि ये हुए? तो ऐसा आरोप आपके पार्टी पे क्यों लगता है? देखिए, ये बात गलत है एकदम, ये तो जानबूझ के लगाया जा रहा कि मुसलमान असउद्दीन अवैसी को मतलब बदनाम किया जा रहा है, MIM को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन जो राजनीति समझ रखने वाले लोग हैं आज वो खुद बोल रहे कि नहीं, MIM वोट कटुआ पार्टी। आज बड़ी बड़ी मीडिया न्यूज चैनलों पे चल रहा है कि आप अवैसी साहब वोट कटुआ नहीं, वोट अवैसी साहब की पार्टी एकदम मजबूत लगी, तो उनको हम कैसे बोले कि वोट कटुआ पार्टी? तो मैंने आपको बताया ना कि 27 सीट इनके सामने BJP ने जीती, 29 सीट, और 27 सीट ने नीतीश कुमार की पार्टी ने जीता, आप बताइए। और हमारे सामने जो लड़ी थी 5 सीट हमने जीती, उसके बाद 14 सीट गठबंधन ने जीता, भाजपा सिर्फ 1 सीट जीती, आप बताइए, आप फैसला करें भाजपा को इतना वोट कौन गिराया फिर? देखिए, भाजपा का वोट किसने गिराया आपको मालूम है? भाजपा नीतीश कुमार की कहानी खत्म कर देंगे, जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ था उसी तरीके से नीतीश कुमार का नंबर था, और हुआ, एक लोकल पार्टी थी ना नीतीश कुमार की, बिहार की लोकल पार्टी थी जो सत्ता बनाने की ताकत रखने वाली, आज वो दूसरे तीसरे नंबर पे, तो इसका नुकसान किसको हुआ? BJP ने किसको डैमेज किया? अपने पार्टनर का डैमेज किया। शाह आलम भाई, जैसे कि मुमरा कौसा, आप जिस इलाके में रहते हो जहां से आप नगर सेवक हो, यहां पर एक तरफा आबादी है मुस्लिम की, इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमान जो है MIM को नहीं चाहती है, MIM से दूर रहना चाहती है, तो आज मुमरा कौसा में आज इतना कमज़ोर क्यों है MIM, और क्यों मतलब एक अपोजिशन का जो एक ये होता है वो क्यों नहीं मतलब कर पाती है, ये क्या वजह है यहाँ पर? नहीं नहीं, ऐसी मतलब अपोजिशन कमज़ोर नहीं, देखो अगर अपोजिशन कमज़ोर रहती तो हम लोगों ने यहाँ कब्रिस्तान का मुद्दा हमने उठाया था, हॉस्पिटल का मुद्दा हमने उठाया था, स्कूल के फीस माफ़ी का मामला हमने उठाया था, तो अपोजिशन कमज़ोर, हाँ फ़र्क ये पड़ता है कि देखो सत्ताधर पार्टी और अपोजिशन में ये फ़र्क है कि उनके पास पावर है, हमारे पास इस वक्त पावर नहीं कि जो हम अपनी मांग को मनवा सके या हम पूरा काम करवा सके, लेकिन हम जो मुद्दे हैं उसको लाते हैं और आवाम के बीच में रखते हैं। नहीं, जैसे कि कुछ नेता ने कहा था कि जैसे आप लोगों ने अभी एक मुद्दा उठाया था कब्रिस्तान का, लेकिन किसी भी तरीके से ये हिंदुस्तान का शायद पहला कब्रिस्तान ऐसा होएगा कि पुलिस लगा के उसमें मैयत दफनाई गई, वो भी एक जिद में किया गया, और आपकी बात कहीं भी जो है वो रखी नहीं गई, इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह ये कि देखिए सत्ता में है, वो सत्ताधारी अपना सत्ता का दुरुपयोग करते, अपना पावर का इस्तेमाल कर रहे,
और उस हिसाब से ये काम करके लिए। अगर यही हम भी उनके बराबर रहते तो इतनी मजाल नहीं थी किसी की, मतलब अपनी मर्जी से कोई भी काम हो जाता। अच्छा, अभी फिलहाल जो है एक तकरीबन 15 दिन शायद हो गया रहेगा, आपके जो अध्यक्ष है MIM के, उनके ऊपर तड़ी पार की नोटिस भी दी गई है, तो एक तरफ से कहीं ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि एक दबाया जा रहा है, एक मजबूर किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये पॉलिटिकल प्रेशर बन रहा था, लेकिन हमारी पार्टी और हम खुद अपने अध्यक्ष के साथ में खड़े हैं और लीगल एडवाइज लीगल तरीके से हम इस पर काम कर रहे हैं। हमारे अभी 2 दिन पहले हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष आए थे, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, हमने मुलाकात की है IG पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों से, सबसे बात हुई और इसकी इंक्वायरी चल रही है। अच्छा, और एक मुद्दा और जैसे आपने उठाया था स्कूल का, स्कूल के फीस का लेकर, और काफ़ी हद तक इसमें देखा गया कि अमल भी किए हैं कुछ स्कूल वाले, कुछ स्कूल वाले जो है अभी तक मतलब शायद नहीं माने हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि आप जो है मेहनत कर रहे हैं और आप हर मुद्दे को एक कहीं ना कहीं जोरों शोरों से उठाते हैं, लेकिन फिर भी जो है कहीं वो कामयाबी नहीं मिल पाती है जो होना चाहिए। सर ऐसा है ना कि जो कामयाबी नहीं मिल पा रही ना, उसकी वजह मैं आपको बताया ना क्या, हमारी पार्टी अभी इतने पावर नहीं, मतलब हमारे पास ज़्यादा नगर सेवक नहीं, यही हमारे पास अगर 5 नगर सेवक रहते ना तो हर चीज़ हमारी ये मानते थे। और स्कूल के जो फीस का मुद्दा, देखो आपको मालूम है सबको कि सबसे पहले अगर किसी पार्टी के लोगों ने अगर फीस माफ़ी की मांग की थी तो वो MIM ने की थी, हमने वर्षा गायकवाड़ मैडम जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थी उनको सबसे पहला पत्र हमने ही दिया था, MIM ने ही दिया था। अच्छा, और दूसरी चीज़ है, एक और है जैसे देखा गया है कि अभी हाल ही में MIM पार्टी जो है बिहार से जैसे आपने बताया कि जीती है, तो क्या आगे आने वाले चुनाव में मुमरा कौसा के अंदर आप किस तरीके से एक ये लाना चाहते हैं बदलाव? क्या आपकी पार्टी जो है यहाँ जैसे बिहार में 5 सीट जीत के आई, उसी तरीके से क्या मुमरा कौसा में भी मतलब आप उम्मीद रखते हो कि जीत के आएगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह देखना, इस वक्त तो मुमरा कौसा के अंदर कम से कम हमारी 5 से 7 सीट इंशाल्लाह आएगी MIM की, आप देखना इंशाल्लाह, क्योंकि जो लहर हमारी चल, मतलब लहर क्या है, मतलब हमारी पार्टी भी एक उरूज पे आ रही, काम कर रही, काम के बेस पे ऊपर आए। खाली मुसलमानों के नाम पे असदुद्दीन अवैसी साहब को वोट नहीं मिला, हमारी पार्टी को सिर्फ मुसलमानों के नाम पे नहीं वोट हुआ, देखो आपके असदुद्दीन अवैसी साहब हमारी आवाज़ उठा रहे, दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की, सेंट्रल में आवाज़ उठा रहे ना, तो ये सब उनकी मेहनत का नतीजा है, इसलिए लोग हमको आज अपनी तरफ, हमारे तरफ जो आ रहे सिर्फ इसलिए आ रहे, इसलिए नहीं आ रहे कि मुसलमान पार्टी के हम लोग हैं, इसलिए मुसलमान हमारे पास आ रहे, दलित भी हमारे साथ में वोट में है, दलित हमारी पार्टी के साथ में है। शाह आलम भाई, एक बहुत बड़ा मुद्दा और है मुमरा कौसा का, टोरेंट को लेके कुछ नेता जो है ये वादा किए थे और ऐलान भी किए थे, मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर टोरेंट कंपनी यहाँ आ गई मुमरा कौसा में तो मैं अपनी जान दे दूंगा और रेलवे ट्रैक पे लेट जाऊंगा। बहरहाल ये सब कहते कहते और जो है आ गई टोरेंट, आज आने के बाद में आस्ते आस्ते पूरी तरीके से अपनी पैर भी जमा ली है। आज लोगों का लाइट बिल का बहुत मसला है कि किसी का 1 लाख रुपया, किसी का 1.5 लाख रुपया, किसी का 50,000 रुपया, आज के तारीख में लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, तो इतना बिल कहां से लोग भरेंगे? इसके लिए आप लोग आवाज उठाए, लेकिन फिर भी ये वैसे के वैसे ही मसला रह गया। टोरेंट अपना पैर एक फैलाते हुए जो है पूरे शहर पे कब्जा कर रही है। भाई देखिए, बिल्कुल आप जो सवाल रखे टोरेंट का और लोगों ने जो कहा था जान देंगे, तो देखो ये जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पहली मरतबा इलेक्शन में क्या कहा था कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपया आएगा, तो ये जुमलाबाज हमारे यहाँ की जो सत्ताधर पार्टी है इन लोगों ने भी यही किया था, कुछ लोग ने नहीं किया था, सत्ताधर पार्टी के लोगों ने ये ऐलान किया था कि अगर टोरेंट आएगी तो हमारे लाश पे से गुजरना होगा। सत्ताधर पार्टी के आमदार ने ये कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम टोरेंट को नहीं आने देंगे। आज आप देख रहे हो कि शहर के अंदर टोरेंट आ चुका है, टोरेंट की वजह से आप सर्वे भी कर रहे हो, आप लोग देख भी रहे हो, आप पत्रकार हैं कि आपके पास पूरे मुमरा की खबर है, रोज सुबह कम से कम 10 से 15 लोग हर ऑफिस पर, हर नगर सेवक के पास आते हैं, लोग बेचारे अपना अपना रोना लेके कि मेरी 15,000 की बिल आई, किसी की 50,000 की है, किसी की 1 लाख की बिल है, वो आज देखिए टोरेंट यहाँ तक कर दी, जब हमने ही मोर्चा निकाला था टोरेंट के खिलाफ अभी 1 महीना पहले पैदल, जब हमने उनसे बात की थी तो उनने क्या कहा कि बिल जो है रीडिंग वो हमारी नहीं है, MSEB की, जब MSEB रीडिंग दे रहा है तो तुम कौन होते हो अपने टोरेंट की बिल लगा के देने वाले? अच्छा, इससे पहले भी जब MSEB हमारे मुमरा शहर में थी तो कितनी भी बिल होती थी कभी किसी को नोटिस नहीं आती थी,
मतलब ये डरा रहे, धमका रहे, क्या है ये? आप ये बिजनेस करने आए कि लोगों को डराने के लिए आए? तो हम तो पहले दिन से विरोध में है टोरेंट के। हमारा जरा भी कहीं पे ये सपोर्ट नहीं मिलेगा कि आप हमारे यहाँ के रीडिंग चेक करो, हमारे यहाँ बिल चेक करो। हमको तुम स्टार्ट से टोरेंट मांगते हैं तो हम क्या जरूरत हमको उनको लाने की कि हमारे बिल चेक कराओ, हम मीटर चेक कराएंगे? नहीं चाहिए हमको। जो लोगों ने लाए हैं सत्ताधारी पार्टी जैसे टोरेंट को लेके आई है, आपने जैसे कहा, आज वही लोग बोल रहे हैं इनको शहर से बाहर जाना पड़ेगा, तो ये क्या मुमकिन है क्या? बिल्कुल। तो शहर, जब ये सत्ताधारी पार्टी बोल रहे हैं ना कि इनको शहर से बाहर निकालना चाहिए, तो उतरते क्यों नहीं ये लोग? क्यों नहीं टोरेंट के खिलाफ बोल रहे? क्यों नहीं टोरेंट के खिलाफ उतर के धरना आंदोलन कर रहे? क्यों नहीं अपने आवाम को साथ में लेके चलने के लिए तैयार है? हम तो MIM तैयार है ना। MIM तो एक ही बात कह रही है कि टोरेंट के खिलाफ जितनी संस्था है हम उनके साथ में, क्योंकि मुमराज शहर और शहर के लोग की जो तकलीफ है वो हमारी तकलीफ है। तो हम हर उस पार्टी या हर उस संस्था का साथ देंगे जो टोरेंट का विरोध कर रहा है। नहीं, ये तो कहते हैं कि MIM खाली दिखाने के लिए जो है इस तरीके से एक खाली जलवा करती है, बाकी इनके अंदर कोई दम नहीं है, इस तरीके से लोगों का कहना है। चलो ठीक है, हमारे पास दम नहीं है ना, तो आपके पास तो दम है ना, आप तो वो भी नहीं कर रहे। हमारे पास तो कोई पावर नहीं, फिर भी हम इतने हिम्मत से निकल रहे। पैदल यात्रा टोरेंट के खिलाफ किसने किया? मुमरा के अंदर धरना आंदोलन और भूख हड़ताल किसने किया? हमने किया, MIM ने किया, NCP यहाँ की रूलिंग पार्टी ने नहीं की थी। तो इसका मतलब है कि हम ही लड़ रहे हैं ना वो लड़ाई। या अगर आप लोग इसलिए कह रहे हैं कि इनकी नहीं चली, तो चलो आप सत्ता में, आप क्यों नहीं कर रहे शहर के? इसका मतलब है आप लोग उनके साथ नहीं चलना चाहते हो, टोरेंट के विरोध नहीं उतरना चाहते हो, जनता के साथ एक विश्वासघात किया। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर इस तरीके से वो लोग करना चाहते हैं तो सत्ताधर पार्टी का ही काम है ना इसका विरोध करना। और आपने चिल्लाया था, हमने नहीं चिल्लाया था कि हमारी लाशों पे से गुजरना होगा टोरेंट आएगी तो? आपने ये नारा दिया था, आप लोगों ने ये नारा दिया था कि महाराष्ट्र में इतना बड़ा आंदोलन नहीं होगा जितना बड़ा आंदोलन मुमरा के अंदर किया जाएगा टोरेंट के खिलाफ। कौन सा आंदोलन हुआ इनका बताइए आप। तो ये थे हमारे नगर सेवक शाह आलम आजमी साहब MIM से, और इन्होंने बहुत बाखूबी जो है जवाब दिया है। और इससे जो है खाली सुन के लोगों को अमल नहीं करना है, ये लोगों के आवाम को भी जो है समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जो है टोरेंट को लाके ये आवाम को जो है धोखे में रखा गया है, और धोखे से इस कंपनी को लाके यहाँ पर थोप दिया गया है। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज़ के साथ हाजिर हूँगा, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।